हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हम मेल्ट होते हुए आर्कटिक ओशन को दोबारा फ्रीज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। जल्द ही आर्कटिक ओशन में मौजूद सारी बर्फ मेल्ट होने वाली है और इसका हमारी धरती पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन इससे बचने का एक तरीका है और वो ये कि हम आर्टिफिशियल आइसबर्ग्स बना के आर्कटिक ओशन में छोड़ दें। पिछले 30 साल में आर्कटिक ओशन में बर्फ की जो सबसे मोटी और पुरानी लेयर थी वो सारी मेल्ट हो चुकी है। अब 70% आर्कटिक ओशन ऐसी आइस कैप से ढका हुआ है जो कि गर्मियों में श्रिंक हो जाती है और सर्दियों में वापस ग्रो कर जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर धरती पे ग्लोबल वार्मिंग इसी रेट से होती रही तो 2030 तक आर्कटिक ओशन की सारी बर्फ मेल्ट हो जाएगी और इसका असर सिर्फ आर्कटिक ओशन पे ही नहीं बल्कि पूरी धरती पे आएगा। आर्कटिक ओशन ग्लोबल फ्रीजर के तौर पे काम करता है और पूरी धरती को ठंडा रखता है। अगर ये पूरी तरह मेल्ट हो गया तो पूरी धरती के वेदर पैटर्न्स बहुत बुरी तरह चेंज हो जाएंगे, लेकिन इस सब से बचने के लिए हम आर्कटिक ओशन की बर्फ जियो इंजीनियरिंग के जरिए दोबारा ग्रो कर सकते हैं। आर्कटिक ओशन में कई ज्यादा पंप्स लगाए जाएंगे जो कि समुद्र के पानी को बर्फ पर फेंकेंगे जिससे वो भी फ्रीज हो जाएगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट की लागत 500 अरब डॉलर होगी और हो सकता है कि हम ये अफोर्ड ना कर पाए। पोलर आइस सूरज की हीट को एब्जॉर्ब करने के बजाय रिफ्लेक्ट करके प्लेनेट को ठंडा रखने का काम करती है। हम सिलिका बीड स्प्रिंकल करके आर्कटिक ओशन को ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। ये बीड्स बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होते और इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल रेत की तरह होती हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत तो सिर्फ 300 मिलियन डॉलर्स आएगी, लेकिन हो सकता है कि इसका कोई ऐसा इफेक्ट आ जाए जो कि बहुत खतरनाक साबित हो। हमारे पास हाथ पे हाथ रख के बैठ के आर्कटिक ओशन की बर्फ मेल्ट होता देखने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होगी और एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी। इससे ग्लोबल टेम्परेचर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और वेदर पैटर्न्स बिल्कुल ही तब्दील हो जाएंगे। इसके नतीजे में हमें ज्यादा सैलाब, कहत और हीट वेव्स देखनी पड़ेंगी। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि आर्कटिक ओशन की बर्फ मेल्ट होने के बाद यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बहुत सख्त सर्दी आएगी। इस सब से बचने के लिए हम जो कर सकते हैं वो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी और हो सकता है कि आर्कटिक ओशन की बर्फ को मेल्ट होने से बचाया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में, बने रहिएगा।